हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो टॉपिक आप लोगों के मन में हमेशा से था और आज उसका निजात हो चुका है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कोरोना की दवा। जी हाँ, कोरोना की दवा मार्केट में लॉन्च हो चुकी है और इसी दवा की जो वास्तविक सही सही जानकारी है वो इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आज बेसिक से लेकर कि कैसे उस दवा का ओरिजिन हुआ, क्या उसका नाम है ना, कितने की दवा है, कहाँ बिकती है, कैसे बिकती है, मैं आज इस लेक्चर में आपको पूरी जानकारी बहुत वास्तविक रूप से देने वाला हूँ। तो इस लेक्चर को आपको पूरा देखना है और इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ये जानकारी आम जन जन तक पहुंचा देना है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, तो कोरोना की दवा, जो कोरोना की दवा है उसका नाम है फेविफ्लू। क्या नाम है? फेविफ्लू। तो फेविफ्लू नाम से ये दवा मार्केट में आपको मिलने वाली है। ये क्या है? एक मेडिसिन है। एक बात याद रखना, इसके अंदर जो मेडिसिन है वो दूसरी है ना, मेडिसिन दूसरी है। ये क्या है? ब्रांड नेम है। ये क्या है? ब्रांड नेम है। हमेशा याद रखना कि ब्रांड नेम अलग होता है, दवा का जो ब्रांड नेम है वो अलग होता है, कंपनी दूसरी होती है, कंपनी अलग होती है जो उसे बनाती है, और उसके अंदर जो मेडिसिन भरी होती है वो अलग होती है ना। तो यहाँ मेडिसिन मैंने लिख दिया है, लेकिन बेसिकली फेविफ्लू क्या है? ब्रांड नेम है, और इसी नाम से मार्केट में आपको भी मिलेगी। अब हम बेसिक से बात करते हैं। ये जो दवाई है वो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा तैयार की गई है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा ये दवा तैयार की गई है, और ये जो दवा है ये दवा हल्के लक्षण वाले जितने भी कोरोना मरीज हैं उनके ऊपर ये पूर्ण रूप से लागू होगी। पूर्ण रूप से उनके जितने भी लक्षण हैं उनको कंट्रोल करेगी, है ना। और आपको मैं बता दूं कि यही हल्के लक्षण वाले जो रोगी हैं वो 80% अपने इंडिया में हैं, अपने 80% इंडिया में हैं। तो 80% जो लोग हैं वो इसी हल्के लक्षण वाले COVID-19 से ग्रसित हैं, और इसी हल्के लक्षण वाले COVID-19 में जितने भी कैरेक्टर होते हैं, हल्का बुखार आना, कफ आना, खांसी आना, ये सब जितने भी कैरेक्टर गुण हैं वो सब इस दवा फेविफ्लू के द्वारा बड़ी आसानी से ठीक हो जाते हैं, है ना। दूसरा जो पॉइंट है, यह एक एंटीवायरल दवा है। वायरल का मतलब होता है वायरस, और एंटी का मतलब होता है वायरस को खत्म करने वाली। तो यह कैसी दवा है? एंटीवायरल दवा है। और इसकी जो मेडिसिन है वो मेडिसिन का नाम है फेविपिराविर। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है ना। अभी क्या है, अभी ये मेडिसिन नई नई मार्केट में आई है, इसलिए एक केवल एक ही ब्रांड नेम से मिलेगी, है ना, फेविफ्लू। हो सकता है इसे दूसरी कंपनी भी तैयार करने लगे, तो ये फेविफ्लू की जगह कोई दूसरा नाम भी आ सकता है, तीसरा नाम भी आ सकता है। जैसे आप देखते हैं पैरासिटामोल, पैरासिटामोल क्या है? एक दवा है, लेकिन इस दवा को बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। डोलो भी बनाती है, रेमडेक्सी भी बनाती है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो पैरासिटामोल को बनाती हैं। तो वैसे ही इसमें जो दवा है उसका नाम क्या है? फेविपिराविर। फेविपिराविर जो दवा है ये दवा आपको हर एक कंपनी की किसी भी ब्रांड नेम में मिलेगी, है ना। तो दवा का नाम क्या है? फेविफ्लू, सॉरी, टैबलेट का नाम क्या है? फेविफ्लू। और उसके अंदर जो दवा भरी है उसका नाम क्या है? फेविपिराविर, है ना। यहां मैंने लिख दिया मेडिसिन फेविपिराविर, और जो ब्रांड नेम है, ये ब्रांड नेम है वो क्या है? फेविफ्लू। फेविफ्लू, तो फेविफ्लू नाम से आपको ये दवा मार्केट में मिलने वाली है। इसे इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको पूर्ण रूप से मंजूरी दे दी है, और इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक और संस्था होती है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये देखो, यहाँ ड्रग का मतलब ड्रग्स नहीं होता, ड्रग का मतलब होता है सारी दवाइयाँ। सारी दवाइयों की जो कैटेगरी है वो ड्रग के अंतर्गत आती है, और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी संस्था है जिसके द्वारा परमिशन दे दी गई है, और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी परमिशन दे दी है। तो ये दवा अब पूर्ण रूप से हर जगह मिलेगी, और ये दवा डॉक्टर की परमिशन से ही मिलेगी, जो कि मेडिकल पर भी उपलब्ध होगी और बड़े बड़े हॉस्पिटल और छोटी हॉस्पिटलों में भी मौजूद होगी। इस दवा का जो नाम है वो फेविफ्लू है। इस दवा का नाम क्या है? फेविफ्लू है। इस दवा में एक जो टैबलेट है उसका जो वेट है, जो उसका वजन है, वो 200 मिलीग्राम होगा। एक टैबलेट जो है, उस एक टैबलेट का जो वजन है, जो वेट है, वो 200 मिलीग्राम होगा, 200 मिलीग्राम होगा। और एक जो उसका पत्ता आएगा, है ना, एक जो उसका पत्ता आएगा जिसे स्ट्रिप कहा जाता है, एक पत्ते में 34 गोलियां होंगी, 34 टैबलेट होंगी, 34 टैबलेट होंगी। और ये जो 34 टैबलेट हैं, इस 34 को आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना भी वेट आएगा वो इस पूरी स्ट्रिप या पूरे पत्ते का वजन होगा, है ना। उस वजन से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल इसका डोज याद रखना है। इस डोज को मुख्य रूप से आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। तो एक
स्ट्रिप में एक पत्ते में 34 गोलियां होंगी, और इस 34 गोलियों का जो कॉस्ट है, जो कीमत है वो कितनी होगी, 3500 रुपये। इन 34 गोलियों की कीमत कितनी होगी, 3500 रुपये। तो लगभग लगभग एक टेबलेट जो है वो 103 रुपये की आपकी पड़ेगी, 103 रुपये की पड़ेगी। और ये रुपये जो है वो इंडिया में रहेगा, अगर इंडिया इसको कहीं और भेजता है तो उसका कॉस्ट बदल सकता है, लेकिन ये इंडियन करेंसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 34 टेबलेट 350 रुपये की, सॉरी 3500 रुपये की, और एक टेबलेट 103 रुपये के लगभग पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो मेडिसन है ये फर्स्ट एंटी ओरल मेडिसन है। ये कैसी है, फर्स्ट एंटी ओरल मेडिसन है, अभी तक ऐसी कोई मेडिसन नहीं बनी थी, तो इसे फर्स्ट एंटी, एंटी का मतलब होता है वायरस को खत्म करने वाली, क्योंकि ये कैसी है, एंटी वायरल मेडिसन है। और ये एंटी वायरल मेडिसन कैसी है, ओरल है, क्योंकि इसे मुंह से लिया जाता है, क्योंकि ये टेबलेट के फॉर्म में है। और ये COVID-19 के, मतलब कोरोना वायरस के या COVID-19 डिसीज के, देखो एक बात याद रखना, कोरोना वायरस है, कोरोना क्या है, वायरस है, वायरस का नाम कोरोना रखा है। और कोरोना क्यों रखा है, क्योंकि लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुकुट, और मुकुट जैसी स्पाइक प्रोटीन की जो संरचना है वो इसके ऊपर पाई जाती है, मुकुट जैसी स्पाइक प्रोटीन की संरचना इसके ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। लेकिन कोरोना वायरस से जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम होता है कोविड-19। अब इस कोविड-19 का नाम क्या होता है, कोविड का मतलब, कोविड में सीओ का मतलब होता है कोरोना, बी का मतलब होता है वायरस, और डी का मतलब होता है डिसीज, कोरोना वायरस डिसीज, कोरोना वायरस डिसीज, कोरोना के वायरस से होने वाली डिसीज मतलब बीमारी, कब हुई, 2019 में, इसलिए इसका नाम कोविड-19 पड़ा। और कोविड-19 में जितने भी माइल्ड मरीज हैं या मॉडरेट मरीज हैं, माइल्ड मरीज हैं या मॉडरेट मरीज हैं, इनके जितने भी लक्षण होंगे, इनके जितने भी लक्षण होंगे वो इस दवा से पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे, है ना। माइल्ड और मॉडरेट का मतलब होता है हल्के लक्षण, यहां मैंने लिखा है हिंदी में हल्के लक्षण, हल्के लक्षण या थोड़े हल्के से थोड़े से ऊपर के लेवल के जितने भी लक्षण होते हैं, जैसे बुखार आना, खांसी आना, कफ आना, है ना, हाथ पैर दर्द करना, ये सब इसके लक्षण है, और इन लक्षणों को माइल्ड और मॉडरेट कहा जाता है। इनका पूर्ण रूप से निजात इस दवा के आधार पर मिल सकेगा, और इसी कैटेगरी के 80% जो पेशेंट हैं, इसी कैटेगरी के 80% पेशेंट इंडिया में पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि इंडिया में कोरोना वायरस का जो प्रभाव था वो पूर्ण रूप से कैसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है ट्रॉपिकल रीजन है, और ट्रॉपिकल रीजन होने के कारण यहाँ पर कोरोना वायरस ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाया, इसलिए माइल्ड और मॉडरेट लक्षण मिले जो इस दवा से कैसे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। बाकी 20% जो कैटेगरी है वो थोड़ी सी अपर लेवल की है जिसमें ये समस्या आ सकती है। और एक बात और, जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं अगर किसी को डायबिटीज़ है, अगर किसी हार्ट की बीमारी है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, तो इन सभी बीमारियों में भी अगर किसी को कोरोना होता है तो वो भी इस टैबलेट से ठीक हो सकता है, उन व्यक्तियों को भी ये टैबलेट दी जा सकती है, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे शुगर हो, चाहे आपकी मधुमेह हो, चाहे हृदय की बीमारी हो, चाहे हार्ट अटैक जैसी समस्या हो चुकी हो, है ना। तो इन सभी में भी अगर कोरोना है आपको तो आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई टॉक्सिक रीजन नहीं होगा, कोई हानिकारक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब इसके हम डोज की बात कर लेते हैं, तो इस टैबलेट का जो डोज है इस टैबलेट को लगभग लगभग 18 से 75 तक के उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं, 18 to 75 उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं सभी को ये दी जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत बड़ा व्यक्ति भी हो तो भी दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो फर्स्ट डोज होगा पहला डोज जो होगा, जैसे आपको पहले दिन दवाई शुरू करनी है तो फर्स्ट डोज में आपको पहले दिन 18 टैबलेट खानी है। ये इसका थोड़ा सा टफ टास्क है, क्योंकि अपने आप में 18 टैबलेट खाना बहुत मुश्किल बात होती है, और एक साथ खाना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पहले दिन आपको इन 34 टैबलेट में से 18 टैबलेट खानी है पहले दिन। और 18 टैबलेट कैसे खानी है, 9 टैबलेट आपको सुबह खानी है और 9 टैबलेट आपको शाम को खानी है, 9 टैबलेट सुबह, 9 टैबलेट शाम, इस तरीके से कुल 18 टैबलेट आपको पहले दिन खानी है। लेकिन दूसरे दिन से आपका डोज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। दूसरे दिन से आपका डोज जो है वो 8 टैबलेट पर डे हो जाएगा, मतलब दूसरे दिन से आप एक दिन में केवल कितनी टैबलेट खाएंगे, 8 टैबलेट। 8 टैबलेट का मतलब ये है 4 टैबलेट सुबह और 4 टैबलेट शाम।
चार गोली सुबह, चार गोली शाम, मतलब चार गोली तो हमें सामान्य से बुखार में भी खानी पड़ती है। अगर आपको कोई सा फीवर हो जाए, इन्फ्लुएंजा हो जाए, मलेरिया हो जाए ना, तो भी आपको चार टेबलेट तो खानी ही पड़ती है। तो चार सुबह चार शाम खाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चार सुबह चार शाम ये टेबलेट आप खा सकते हैं, और एक कोई भी खा सकता है ना, बस एज लिमिट का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब थोड़ा सा हम इसका निर्माण की बात कर लेते हैं। तो इस मेडिसन को फेविपिराविर एबिगन मेडिसन जेनरिक वर्जन द्वारा तैयार किया गया है ना। ये जो एबिगन मेडिसन जेनरिक वर्जन है, इसका ये जेनरिक फॉर्म है ना। जेनरिक वर्जन होता है, जेनरिक मतलब पेटेंट कराते हैं किसी भी दवाई को, तो वो जेनरिक है। उसका नाम क्या है, एबिगन मेडिसन वर्जन है। और ये वर्जन कहाँ से आया है, ये वर्जन आया है जापान से। ये कहां से आया है, जापान से, क्योंकि जो एबिगन है ये एबिगन मुख्य रूप से जापान का है। तो एबिगन जापान जो है वहां पर इसको सबसे पहले तैयार किया गया था, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये फेविफ्लू है या फेविपिराविर है, तो ये जो फेविपिराविर है ये किसका जेनरिक है, आपसे अगर पूछा जाए कि फेविपिराविर किसका जेनरिक है, तो ये एबिगन मेडिसन का जेनरिक है। एबिगन मेडिसन मतलब, एबिगन मेडिसन का मतलब ये है कि एबिगन मेडिसन को इससे पहले तैयार किया गया था। एबिगन एक मेडिसन थी, इसको पहले तैयार किया गया था कहां, जापान में। क्यों, क्योंकि जापान में इन्फ्लुएंजा होता था। तो जापान में कई साल पहले, 2014 की बात है, जापान में 2014 में जो इन्फ्लुएंजा होता था उसको ठीक करने के लिए एक एबिगन मेडिसन तैयार की थी, और उसी मेडिसन का ये जेनरिक है फेविपिराविर, फेविपिराविर जो कि फेविफ्लू के नाम से बिकता है। तो इसको तैयार की गई और ये इन्फ्लुएंजा के लिए उपयोग किया गया। और वहीं पर जब एबिगन मेडिसिन बनाई गई, तो जापान में इस मेडिसिन को किसने मैन्युफैक्चर किया था, फ्यूजी फिल्म टोयामा कॉरपोरेशन। समझ में आ रहा है, जैसे अभी फेविपिराविर को भारत में फेविफ्लू ने तैयार किया, वैसे ही इसी के जेनरिक वर्जन को जापान में इन्फ्लुएंजा के लिए फ्यूजी फिल्म टोयामा कॉरपोरेशन के द्वारा सबसे पहले तैयार किया गया था। कब, 2014 में किया गया था, और 2014 में ही इसको परमिशन दी थी, जापान में परमिशन मिली थी किसके लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए, इन्फ्लुएंजा ठीक करने के लिए परमिशन मिली थी। और परमिशन मिलने के बाद जब इसका प्रभाव देखा गया, तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा रहा, है ना, बहुत अच्छे से रिकवरी हुई। वैसे ही इस दवा में भी सभी प्रकार के जितने भी आपके लक्षण हैं उनकी बहुत अच्छे से रिकवरी होगी। अगर आपको फीवर आता है तो वो भी ठीक हो जाएगा, खांसी आती है, कफ आती है, वो भी ठीक हो जाएगा। और हाल फिलहाल में अभी ये पूर्ण रूप से मार्केट में नहीं मिलेगी, अभी इसका ट्रायल चल रहा है। लेकिन इसका जो प्रभाव है वो हमको पता चल चुका है, इसका जो इफेक्ट है, जो इसके कैरेक्टर हैं वो सबको पता चल चुके हैं। बहुत अच्छी दवा है, इससे बहुत लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन अभी इसका थोड़ा थोड़ा ट्रायल चल रहा है। जब ये ट्रायल व्यापक हो जाएगा, पूर्ण रूप से सक्सेस हो जाएगा, तो इसे भारत में सभी जगह लॉन्च कर दिया जाएगा, है ना। तो इसके ट्रायल 11 जगह चल रहे हैं पूरे भारत में 11 सेंटर बनाए गए हैं अभी तक। और 11 सेंटरों पर लगभग 150 लोगों पर इसका रिसर्च चल रहा है ना। इंडिया में टोटल ट्राय 11 प्लेस हैं, और 150 पर्सन को उन 11 प्लेसों में रखा गया है, और वहां पर इसका ट्रायल चल रहा है। और इसी ट्रायल में बहुत सारे आउटपुट ऐसे मिले हैं, बहुत सारे रिजल्ट ऐसे मिले हैं, बहुत सारे परिणाम ऐसे मिले हैं, जिन परिणामों के आधार पर ये निष्कर्ष निकल चुका है कि ये बीमारी हल्के लक्षण वाले, माइल्ड और मॉडरेट जितने भी लक्षण हैं उनको ये ठीक कर रही है, है ना। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी अगर ट्रायल चल रहा है तो आप ये जानकारी कहां से बताने लगे। भाई ये जो ट्रायल चल रहा है ना, तो इसी ट्रायल में जो 11 प्लेस हैं वहां से ये निष्कर्ष निकला है, वहां से ये जानकारी मिली है, और इन्हीं 11 प्लेसों ने ये जानकारी दी है कि हाँ भाई माइल्ड और मॉडरेट ठीक हो रहे हैं। अब हमें बाकी 20% पर और रिसर्च करना है कि 20% में जो खतरनाक कोरोना वाले इफेक्टेड पर्सन हैं उनको कैसे ठीक किया जाएगा। तो यहीं से जानकारी मिली कि भाई ये सारे लक्षण हैं और इस तरीके से लोग ठीक हो रहे हैं, और इतने परसेंट 80% जो इंडिया में है वो हल्के लक्षण वाले हैं, उनमें ये कारगर साबित है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी जानकारी ये समझ में आई होगी, है ना। ये साइंस बैकग्राउंड से है, जिसने शायद साइंस ना पढ़ा हो तो उसको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। केमिकल टर्मिनोलॉजी है, केमिस्ट्री का इसमें बहुत ज्यादा मैंने यूज किया है, ठीक है। तो बस इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको देता रहूं। इसके बाद भी अगर कोई टैबलेट आती है, अपडेट टैबलेट आती है, कोई भी और जानकारी मिलती है कोरोना से संबंधित या किसी भी बीमारी से संबंधित, वो मैं आपको
जरूर से जरूर इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूंगा। तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।